हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज मैं स्किट के थ्रू बताऊंगी कि कैसे मैंने अपना यूट्यूब पर चैनल बनाया है। और मुझे तो पहले पता भी नहीं था कि यूट्यूब पर लाइक मतलब पैसे भी मिलते हैं, तो कहाँ से ये चीज़ मुझे पता चली। तो ये सारी चीज़ें मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगी। तो आप बस केक भी देखते रहना, मैं कैसे कैसे बना रही हूँ, और साथ में स्टोरी भी सुनते रहना। और मैं इस केक के थ्रू ही क्यों आपको ये स्टोरी बता रही हूँ, ये भी मैं आपको लास्ट में बताऊँगी। तो मतलब मैं पहले जिस ऑफिस में काम करती थी, वहाँ पे मतलब मेरी एक फ्रेंड थी, कलीग, और उसका यूट्यूब पे चैनल था। एंड देन मुझे वहाँ से पता चला कि अच्छा, यूट्यूब पे मतलब उसको अर्निंग होती थी। तो मुझे लगा कि अच्छा, ऐसा भी होता है। तो लाइक कोविड के बाद मैंने अपनी जॉब छोड़ी थी, एंड देन फिर मैं ऐसे घर पे ही, मतलब मुझे कुकिंग का बहुत पहले से शौक था, तो फिर बस मैंने साथ में कुकिंग स्टार्ट किया। ऐसे धीरे धीरे करके यूट्यूब पे चैनल बनाया, और कुछ एक साल के बाद मैं मोनेटाइज भी हो गया। एंड बस आज इसलिए मैं ये स्टोरी आज इसलिए बता रही हूँ क्योंकि आज मेरी उसी फ्रेंड के हस्बैंड का बर्थडे है, और उसने मुझे इस थीम पे केक बनवाया है। तो इसमें सॉफ्टवेयर थीम भी है और फार्मर थीम भी है। तो बस ये इसलिए मैं ये स्टोरी आपको बता रही थी, और क्योंकि मेरी यूट्यूब जर्नी उससे जुड़ी हुई है, इसलिए मैंने आपको ये आज ये स्टोरी सुनाई है। ये मैं यहाँ पे ये चॉकलेट केक बनाई हूँ। मैंने केक के हाफ पार्ट में ग्रास नोजल से ग्रास बना लिया था, और वहाँ पे मैंने फार्मर के कटआउट्स लगा दिए थे। और जो हमारा हाफ पार्ट है, उसमें मैंने यहाँ पे सॉफ्टवेयर इंजीनियर के कटआउट्स लगा दिए हैं, ऊपर से थोड़ा सा स्प्रिंकल कर दिया। तो कैसे लगे आपको ये केक के डिज़ाइन, कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलती हूँ आपसे नए केक के डिज़ाइन के साथ, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।